Welcome back once again to Inspirebox. Do you really think that we need this kind of product this summer inside our home, especially when temperature is going so high? मैंने made in India के नाम पे product order किया था, लेकिन मेरे पास made in China आया. So I want to return it. लेकिन तभी मेरे पास कुछ ऐसे incident हुआ जिस वजह से ये मुझे पंखा रखना पड़ा. तो क्या वो वजह थी उसकी हम बात करेंगे. साथ में बात करेंगे इस पंखे के खासियत के बारे में, function feature के बारे में, कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन फीचर है, कितना पोर्टेबल, कितना यूजफुल है और क्या आपको ये लेना चाहिए. अगर लेना चाहिए तो क्या वो वजह है जिस वजह से आप इसे ले सकते हैं और कहां कहां यूज कर सकते हैं. लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट, Inspireworks के वर्क को सपोर्ट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस पंखे के बारे में. तो ये एक इंस्टेंट पंखा है जिसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं. वेरी मच पोर्टेबल, वेरी मच लाइट इन वेट और ये फोल्डेबल है, एडजस्टेबल है. स्पेशली व्हेन वुमेन आर वर्किंग इन द किचन, तो वहाँ पे कोई पंखा नहीं होता, तो गर्मी में वो काम करती है, तो वहाँ पे ये एक इंस्टेंट एयर सप्लाई का काम कर सकता है और बाकी चीज़ों को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा. तो इसके अंदर जो है वो 1600 mAh की बैटरी लगी है. That is enough for 2 to 3 hours full speed में अगर ये काम करता है. और ये देखिए foldable है, adjustable है, आपको इसे किसी भी angle से आप इसे adjust कर सकते हैं, even though you can put it like that. और आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको use कर सकते हैं. So there is no hack in using this fan, adjusting this fan, whether you are working in a kitchen, whether you are working with your computer, you can use it anywhere for a small duration of time. अगर 2-3 घंटे के लिए आपके यहाँ power cut हो रहा है and It is necessary for you to work with your computer. तो आप उसे वहाँ पे आराम से इस तरीके से लगा करके और एक instant layer air जो है आप उस वक्त के लिए ले सकते हैं इससे. साथ में ये LED light के साथ भी आया है जो दो switching mode पे काम करता है, तो आप इसे भी use कर सकते हैं. और speed को control करने के लिए यहाँ पे ये आपको key दिया गया है, button दिया गया है, जिसे आप on off करके speed को control कर सकते हैं. साथ में अगर ये एक बार charge हो जाता है, 5 से 6 घंटे की इसकी चार्जिंग जो है टाइम है, चार्जिंग टाइम लेता है ये. और उतने टाइम में अगर ये फुल चार्ज हो जाता है तो आपको 2.5 से 3 घंटे का मैक्सिमम जो है आपको बैकअप दे सकता है फुल स्पीड. तो चलिए एक बार हम इसको डेमो देख लेते हैं. ये देखिए मैंने यहाँ से जो है इसे ऑन किया एंड दिस इज वर्किंग राइट नाउ इन द फुल स्पीड. आप इसके बाद सुन सकते हैं, सो इट्स अ काइंड ऑफ इंस्टेंट एयर. तो अगर आप इतने डिस्टेंस तक इसको रखते हैं तो आपको ये एक बढ़िया जो है एयर देता है, बढ़िया कूलिंग आपको दे सकता है. लाइक दैट इफ आई एम वर्किंग ऑन माय कंप्यूटर हियर, तो इस पोजीशन में रखने पर ये एक इंस्टेंट एयर मुझे सप्लाई कर सकता है. दैट इज इनफ टू वर्क ऑन फॉर 2 to 3 hours. और इसी तरीके से लेडीज जो है घर में काम कर रही है, किचन में काम कर रही है और वहाँ पे उनको इंस्टेंट एयर की ज़रूरत है, तो वो भी वहाँ पे इस तरीके से इसे लगा करके यूज़ कर सकती हैं. ये एडजस्टेबल है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप किसी तरीके से भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं. चाहे आप इसको जो है इस तरीके से रख लीजिए, ये इस तरीके से भी काम करेगा. सो देर इज़ नो हैक इन एडजस्टिंग दिस फैन. दिस इज़ अ वेरी मच पोर्टेबल और एडजस्टेबल फैन. साथ में ये LED लाइट के साथ भी आता है जो दो स्विचिंग मोड में काम करता है. अब यहाँ से मैं अगर बटन इस बटन को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए LED लाइट जो यहाँ से जलेगा. दिस वन इज द मैक्सिमम लाइट ऑफ दिस LED लाइट. अब मैं एक बार और इसको प्रेस करूँगा तो ये उससे लो हो गया है. तो ये LED लाइट प्लस आपका इंस्टेंट फैन दोनों है जिसे आप एडजस्ट करके आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं, आप किचन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर द स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ. इसके साथ आपको चार्जिंग केबल मिलता है जिसे आप यूज करके चार्ज कर सकते हैं. हियर इज द चार्जिंग कोड, यहाँ पे देखिए चार्जिंग कोड दिया गया है. अब यहाँ पे बात आती है whether you should go with this kind of product या नहीं, या मेरे साथ क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस वजह से ये मुझे पंखा जो है रखना पड़ा. दोस्तों मैंने लिटरली इस प्रोडक्ट को मेड इन इंडिया समझ करके ऑर्डर किया था, लेकिन जब ये प्रोडक्ट मेरे पास आया तो मेड इन चाइना था. मैं इसे वापस करना चाहता था, तभी मेरे साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस वजह से ये मुझे प्रोडक्ट रखना पड़ा. वो इंसिडेंट क्या था, अचानक एक दिन रात में आधी रात को लाइट कट गई और पूरे रात जो है वो लाइट नहीं आई और उस दिन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई था. सो वी डिस्परेटली नीड द पावर सोर्स जिससे हम पंखा चला सकें. तभी ये मैंने रख रखा था तो मुझे याद आया कि एक रिचार्जेबल फैन भी मैंने मंगवा रखा है, तो क्यों ना उसे कुछ देर के लिए यूज किया जाए.
और यकीन मानिए दोस्तों, मैंने इसको निकाला और उस वक्त यूज किया और इतना राहत उस वक्त इसने दिया, इतना अच्छा कूलिंग लगा, मानिए ऐसा कूलिंग जो है एसी का भी नहीं है। सो व्हेन यू आर इन डिस्परेट नीड ऑफ द पावर सोर्स और समथिंग, गर्मी में आपको एक कूलिंग एजेंट का काम करे, थोड़ा सा भी हवा दे दे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स व्हाई आई कीप दिस फैन। और मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, एक असलियत बताता हूँ, मैंने कई ऐसे स्टोर पे भी घूमा है और वहां से भी मैंने पूछा है, तो आज के जितने भी फैंसी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या बन रहे हैं या जो भी इंडियन मार्केट में, वो मैक्सिमम मेड इन चाइना। तो आप जाइएगा कर। अभी मैं रिसेंटली एक स्टोर पे गया था, मैंने वहां पे पूछा कि भाई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है आपका, ऐसा ऐसा तो नहीं है? अरे नहीं सर, सारा चीज़ तो आता वो मेड इन चाइना आता है, वेर यू आर सर्चिंग, यहाँ तो मेड इन इंडिया का कुछ है ही नहीं। तो आप चाह करके भी जो है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वैसा जो है बन ही नहीं रहा है, या बन भी रहा है तो वो कहाँ है। तो मार्केट में धड़ल्ले से मेड इन चाइना प्रोडक्ट बना हुआ है, भले ही आपको टैग लगा के मेड इन इंडिया का दे, लेकिन वो मेड इन चाइना ही। सो दैट इज ओवरऑल इंसिडेंट। तो होप सो कि आज का ये वीडियो इंस्टेंट फैन पे आपको पसंद आया होगा, और इसका एयर जिस तरीके से मुझे कूल कर रहा है, मेरा वीडियो भी आपको कूल कर रहा होगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़।